सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज फाइनली वो दिन है कि मेरी बहन का बर्थडे है, क्योंकि मेरी बहन जो है वो 11 दिन पहले से दिन गिनने लग गई थी कि उसका बर्थडे कब आ रहा है। और फाइनली आज वो इतनी खुश है कि आज उसका बर्थडे है। तो अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है कुछ ऐसी 10 बज गए होंगे और नीचे पंडित जी आ चुके हैं, क्योंकि आज कथा होएगी। और आज मैं आपको छवि से भी मिलवाऊंगा। छवि के बहुत सारे दोस्त आएंगे, मेरे दोस्त आएंगे और उसके गिफ्ट्स हैं बहुत सारे। तो अभी फ़िलहाल तो मैं ऊपर हूँ यहाँ पे, और आज धूप निकली हुई है बहुत तेज। चलो नीचे चल के दिखाता हूँ, आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आपको प्रिपरेशन भी दिखाऊंगा, क्या क्या प्रिपरेशन हो चुकी है। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी हमारे घर की सेटिंग्स चेंज हो चुकी हैं। ये रही जूली, जूली ये बैठे डैडी, और ये बैठे हैं पंडित जी। आज मजे आएंगे बस, तो गिफ्ट आने वाला भी और इसके मजे भी आएंगे। तो आज फुल ऑफ फन होएगा। बिल्कुल नहीं करना मेरे बच्चों को, नहीं बिल्कुल नहीं करना, नहीं। दोस्तों अभी बहुत ही ज्यादा एक फनी चीज हो चुकी है, जो डैडी दिखा दो क्या चीज है। दिखाओ दिखाओ, जूली प्रिपरेशन के बारे में पंडित जी। जूली पंडित जी के साथ बैठी है, ऐसा लगता है आज जूली की पूजा होएगी। सो दोस्तों यहाँ पर पंडित जी ने पूजा स्टार्ट करने से पहले अपना जो सामान है उसको प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है। कहाँ लोटे में जल लेके आना है, कहाँ फल रखने, कहाँ फूल माला लगनी है, पंडित जी ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। फाइनली मम्मी जो है वो भी टाइम से आ गई हैं, और पापा को भी मैंने नीचे से बुला लिया है। तो ये भाई पापा की एंट्री भी यहाँ पर हो गई है, और अब पंडित जी जो है अपनी प्रिपरेशन में जो प्लेट के अंदर पूजा की जोत जलेगी उसकी प्रिपरेशन भी यहाँ पर कर रहे हैं। कुछ बोलना चाहोगे डैडी? मैं कुछ नहीं भाई, पूरी तरह से तैयारी चल रही है, हवन हो जाए और फिर करेंगे आगे की आज के काम की प्रिपरेशन। बस बस पंडित जी दोस्तों अपने काम में लगे और हम पंडित जी के साथ बातें बनाने में लगे। जन्म दिवस एवं पुत्र आयुष्मान आयुष्मान विद्यमान विद्यमान इत्यादि इत्यादि निमित्तकायाम निमित्तकायाम स्वस्ति पार स्वस्ति पार कर्मणा कर्मणा भो ब्राह्मण भो ब्राह्मण ओम ओम स्वस्ति स्वस्ति भवन्तु भवन्तु विरवन्तु हरिः ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति स्वस्ति न इन्द्रो व्रज सर्वा प्राप्त करके प्रसाद ग्रहण करके आ जाना। ऐसे वचन कहकर लीलावती अपने पति के दर्शन पाने के लिए निकल गई, किंतु कलावती अपने पति के दर्शन पाने की जल्दी में जल्दबाजी में प्रसाद ग्रहण किए बिना चली गई। और यहाँ पर हमारी पूजा आधे चरण को पार कर चुकी थी। फाइनली अब बारी थी दोस्तों किसकी, हवन होने की। तो हवन होने के लिए उसकी पहले प्लेट सजा ली जाती है, सो दैट उसके अंदर हवन प्रॉपरली हो सके। तो भाई हवन के अंदर पंडित जी ने अग्नि प्रज्वलित कर दी है, अग्नि जला दी है, और अब हवन दोस्तों स्टार्ट होता है। और अब पूजा का समापन चल रहा है। तो भाई बारी बारी से सभी लोग आरती कर रहे हैं भगवान की, और सभी अपने मन में कोई इच्छा रख के भगवान से आशीर्वाद की कामना करते हैं। तो इस तरीके से हमारी पूजा जो है पूरी तरह से दोस्तों यहाँ पर संपन्न होती है, पूर्ण होती है। अब बारी थी दोस्तों आगे के काम को करने की। तो दोस्तों हवन हमारा ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है, अभी हम भाई प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, प्रसाद लेते हैं, और उसके बाद बहुत सारे काम है। भाई हमारा कुरियर भी आने वाला है, छवि का जो सरप्राइज गिफ्ट है जो ऑफिस से आता है वो जो कुरियर है वो भी आने वाला है। और दोस्तों उसके बाद करेंगे छवि के सामान की पैकिंग, और हमारे कोई एक दो गेस्ट भी आने वाले हैं, फिर हम डेकोरेशन करेंगे। सो भाई छवि आ चुकी है, ओके, और छवि के एक गिफ्ट घर पहुंच चुका है। भाई यहीं पे खोलते हैं, देखते हैं भाई क्या गिफ्ट आया छवि का। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, वाओ, मुझे खुद नहीं पता है दोस्तों इसमें क्या है। ओ पापी पिक, ये क्या पापी पिक, पापा पिक, ओए भाई क्या निकल रहा है छवि।
ओ सही है भाई, क्या जबरदस्त है, जबरदस्त है कि नहीं छवि? जो पसंद आया इसको ऊपर से निकाल लेते, ऐसे ऐसे ऊपर स्लाइड करते, ऊपर खींच ले इसको। वाओ ये तो बहुत ही सुंदर है भाई। इसके अंदर हो सकता है कुछ भी निकले। इसके अंदर तो पता नहीं मेरे को, ऐसे कुछ आइडिया नहीं है, कुछ नहीं निकलेगा यार। निकलेगा। और इसको ये बता दे देव को कहाँ से आए। ओ पिंक कलर इसका फेवरेट कलर है भाई, सही है ना। सक्षम बहुत दिखाता था ना अपनी चीजों की। हाँ, मैं तो अपनी किट देता था। इसकी मैं भी नहीं छून दूं। इसकी किट दिखा, इसकी किट दिखा, कहाँ है इसकी किट? इसकी इंक लीक हो गई। इंक लीक हो गई? तेरे किट कहाँ है भाई, बैग में? दिखा दिखा दिखा, ये बहुत दिखाता था अपनी किट की, कि मेरी किट ऐसी है, मेरी किट वैसी है। आगे वाली पॉकेट में होगी बेटा, आगे वाली में। ये बहुत छुपा के रखता है चीज़ों को। यस यस, पीछे वाली में होगी। देख 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 देख, जल्दी देख, आगे वाली में होगी यार। छवि सरप्राइज तो भाई बहुत सारे होते हैं ना डैडी के, ऐसे थोड़े यार। इसने किट, सक्षम बेटा किट कहाँ रखी है? अलमारी में रखी है छवि, अलमारी में रखी है इसकी अलमारी में। जल्दी, ये बहुत दिखाते थे ना अपनी किट की भाई हमेशा। ओके ओके देख, ये रखी इसकी, बाहर जाके बाहर चल, बाहर चल के, बाहर चल के दिखाई। ये बहुत अपनी किट की दिखाता था भाई तेरे को। तो भाई छवि बहुत ज्यादा खुश हो गई है सच में। देखो गाइस देखो, ये भाई अंगर का हाल दिखाऊंगी ना आप। अंगर का हाल मत दिखा यार, सब हंसेंगे फिर। देखो ये कितने, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इसकी किट भी, लेकिन तेरी किट ज्यादा सुंदर है भाई। ये ले, और देव अभी अभी स्कूल से आया भाई, ये खाना खा रहा है। और वाओ व्हाट अ किट मैन। देखो मेरी में अंतर बताओ किसकी ज्यादा सुंदर है। सबसे कमेंट में बताएंगे भाई, दोबारा पूछ ले कमेंट में। छवि जो अभी आएगा ना दूसरा वाला, उसे देख के तो खुश हो जाएगी बिल्कुल। गाइस ये जापानीज में दिखा है। सो दोस्तों अभी इसका एक गिफ्ट आया है, आपको तो पता ही होगा ये मैं ही लेके आया हूँ। आपने क्या आया? नीचे से कुरियर बॉय से मैं ही लेके आया हूँ। अभी इसका एक और गिफ्ट आने वाला, और इसको बाद एक और आने वाला। आज इसके गिफ्टों की लड़ी लगने वाली है, तो भाई इसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं है। यस, ये जापान से आया, बिल्कुल सही बात। तो भाई वेट करते हैं, अभी खाना वाना खा लेते हैं, पैकिंग करनी है, बहुत सारे काम करने हैं। छवि का एक गिफ्ट आ गया, और अभी और भी आने वाले हैं, तो भाई पूरे दिन ऐसी मस्ती। और भाई 4 बजे का टाइम दिया है इसके सारे दोस्तों को, वो आकर के डेकोरेशन करेंगे, वो भी दिखाऊंगा। सो दोस्तों अभी फाइनली वो टाइम, मेरा फेवरेट टाइम आ चुका है, कि जब हम लोग छवि के बर्थडे की डेकोरेशन करेंगे और बच्चों के लिए सामान पैक करेंगे। डैडी कुछ बोलना चाहोगे? भाई मैं यही बोलना चाहूंगा कि टीम का अगला मेंबर आ चुका है, बीच में उठ के आया है, खाना बीच में छोड़ के आया है, क्योंकि सुबह से 3-4 चक्कर लगा चुका है कि भाई कब सारा काम होगा, तो काम करने में हम जा रहे हैं। बेचारा 3 घंटे से इस फिराक में बैठा कि अब डैडी की आवाज आएगी। अब बेचारे भाई ये भी अपनी गैंग का पूरा एकदम भाई मेंबर है। तो अभी आप एंजॉय करो टाइम लैप्स। और दोस्तों टाइम लैप्स तो अपने तरीके से चल ही रहा है भाई, बीच बीच में इतनी सारी चीजें देख के जो भूख जो है वो बीच में लगा रही है। तो भाई फाइनली एक दो चिप्स के पैकेट तो बीच में ही हम लोगों ने खोल लिए, और मम्मा को बिना बताए हुए हमने एंजॉय भी कर लिए। सो दोस्तों फिनिश करते हैं जल्दी से पूरी की पूरी जो हमारी पैकिंग होनी है बच्चों के, जो रैप बनाने, गिफ्ट पैक बनाने, जल्दी से उनको भाई फास्ट वे में कंप्लीट करते हैं। और क्योंकि मैन पावर थोड़ी सी कम पड़ गई है, तो भाई एक दो मेंबर्स को और बुला लेते हैं, सो दैट टाइमली हमारा काम वो यहाँ पर खत्म हो जाए। वो बात अलग है कि हम मेंबर्स को बुला रहे हैं, और बीच बीच में भाई जूली जो है वो बीच में कूद जा रही है बाहर। और सच बताऊं तो दोस्तों लगता आसान है, लेकिन सच में भाई थका देने वाला टास्क होता है, एक एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से पैक करना, किसी भी बच्चे की किट में कोई चीज़ ना छूट जाए, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना, और बीच बीच में फिर बच्चों की अलग अलग शैतानी। सो दोस्तों छवि आ चुकी है ट्यूशन से, बेटा बैग उतार दे और क्या क्या सामान बचा वो निकाल दे। सक्षम ये भी रखना है बेटा, हम तो भूल गए। छवि का दूसरा गिफ्ट भी जो है वो आ चुका है, लेकिन अभी हम इस पैकिंग के बाद उसको दिखाएंगे। तो दोस्तों ऑलमोस्ट पैकिंग तो हमने पहले ही कर दी थी, बट दो चीज़ें हम रखना भूल गए। छवि के बैग में बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने ट्यूशन में भी भेजी थी, तो फाइनली दोबारा से सारी पैकिंग हमें
करनी पड़ी। तो फिनिश करते हैं दोस्तों इस पैकिंग को और इंजॉय करते हैं फिर आज छवि का जो बर्थडे है उसको पूरी तरह से आज इंजॉय करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे की तरफ। तो फ्रेंड्स छवि की जो बहन है, क्या नाम है बेटा आपका? ये सो के उठी है भाई और अभी दोनों की दोनों गुड़िया हमारी यहाँ बैठी हुई हैं। और अब सरप्राइज गिफ्ट जो है छवि का दूसरा गिफ्ट भी कोरियर से आ चुका है। तो भाई वो गिफ्ट रखा हुआ है दोस्तों वहाँ पर, तो छवि लेने जा रही है। और छवि रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, लाने दो, ये अनबॉक्सिंग करेगी इसकी, ऐसे नहीं है। और मुझे नहीं पता ये बेटा, ये भी अमेरिका से आया है। ठीक है बेटा, हटो, इसको बैठने दो, जापान से पता लगेगा। बैठो, बैठ के खोलो, इधर बैठ के खोलो। ये तो वो ही भी जापान से आया है। और भाई अनबॉक्सिंग हो रही है क्योंकि सच में ही बहुत दूर से गिफ्ट आया है। सरप्राइज गिफ्ट है, ऊपर से खोल लो बेटा। ओह भाई पैकिंग तो जबरदस्त है, अंदर लगता कोई तगड़ी चीज है। अरे क्या है सच में? वाह यार, नाइट कैमरा निकल रहा है। ये क्या है भाई, पीकी कैमरा है क्या? इसमें हम लाइट भी जला सकते हैं, फोटो भी खींच सकते हैं, पेंसिल रबड़ भी लगा सकते हैं। ओह माय गॉड, ये एक पेंसिल रखने वाला है। सही, उनको एक-एक करके निकाल ले दो। वाओ यार, क्यों ग्रीन कलर का? सही है यार, क्या निकला है भाई, वाओ। ऊपर यार ये तो बहुत तेल लिया था ना, तो मानती ये तो अमेरिका से सीधे यहीं आया भाई, देखियो। वाओ, जलता कहाँ से यार, बटन भी तो होगा कहीं। वो देखो ये तो, और पता है इसमें एक और कमाल है, एक कमाल और है, पेंसिल भी रख सकते हैं ना। ये शॉर्पनर है, ये शॉर्पनर है भाई, अभी आपको कमाल दिखाते हैं। कूड़ा इसका, कूड़ा भी इसका अंदर जाता है बेटा। ये देखो अब इसका, वाओ ये देखो, ये देखो पेंसिल शॉप में। यो वाओ, देखो भाई किसी का फोन आ रहा है, जल्दी से देखो। ये भाई क्या, ये सही है। तो ये बहुत ही प्यारा गिफ्ट आ गया छवि को, लाइट भी जल्दी भाई आप भी मंगवा सकते हो ये तो। और देखो लाइट का कलर बदल रहा है भाई, इसमें तो ग्रीन होती थी, अपने आप बदल रही है, कभी ग्रीन कभी रेड कभी ब्लू भाई साहब। ये तो अच्छा है ना, मैं बेटा अमेरिका से मंगवाया, तेल ले मंगवा दूंगा। मेरा 20 दिन में आया, मैंने अपने दोस्त को बोल के तेरा मंगवाना है, तेरा भी आ जाएगा इसमें क्या? नहीं, इसके लिए नहीं। नहीं नहीं बेटा, अपनी बहन है, तेरी छोटी बहन है, मेरी बहन है। तो भाई ये दो गिफ्ट आ चुके हैं, छवि इसको अपना दूसरा गिफ्ट तो दिखा दे यार। सुबह वाला दिखाया नहीं है क्या? ये कैसा लगा छवि तुझे? और सबसे देख, ओ ये तो मेरे पास है, तेरे पास है, लेकिन ऐसा थोड़ी। ये बेटे तो अमेरिका से आया सीधे, एक बार खोल के दिखा, एक जापान से एक अमेरिका से। ये तो भाई, ये तो बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे, कैमरा तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है इसका। और लाइट देख कैसे जल रही है अपने आप, अभी भी रात में जलती रहेगी ऐसे अंधेरे में। अबे यार छोटे बच्चे हो के पास पिक कर लिए भाई, यार ये छोटी तो है, इसलिए ऐसे बोल दिया। हां देखो पिंक कलर, लेकिन ये लेकिन ये तो नहीं है, ये तो नहीं है भाई, ये पूरे हफ्ते चलेगा। अभी तो पढ़ने के लिए बहुत बढ़िया हो गया, फिर भी मैं पेंसिल शॉप कर लो और यहाँ पेंसिल स्टैंड खड़ा कर दो, ये देखो। और मम्मा पेंसिल चढ़ी है ना, चढ़ते नहीं बहन ही, तो है तेरी, लेकिन मैं उसको कभी ये दूंगी नहीं, ऐसे नहीं करते, दोनों भाई मिलकर चलते हैं। तो भाई कितना मजा आया छवि, एक बार सच बता दो भाई, ये तो कुछ ज्यादा ही जबरदस्त चीज आ गई है। चलो तो दोस्तों अभी कुछ गेस्ट आ रहे हैं, उनके लिए कुछ खाने पीने का सामान लेके आते हैं भाई, फिर मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। सो दोस्तों सक्षम के दोस्त अंदर आ चुके हैं और देखिए क्या धमाल मच रहा है। There was once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too, sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my
Don't.
बर्थडे मनाने के बाद भाई पूरी टीम को लेकर के आ चुका हूँ डिनर करवाने के लिए, लेके चलता हूँ रेस्टोरेंट के अंदर। और ये देव है, मैं हूँ छवि, बाकी लोग रेस्टोरेंट के अंदर है, तो लेके चलता हूँ अंदर। तो दोस्तों फाइनली वापस आ गए भाई घर, और जूली बिल्कुल पागल हो रही है। अब सब लोग अपने अपने चेंज करें। अल्टीमेटली छवि का बर्थडे बहुत ही जबरदस्त रहा, बहुत मजा आया। अभी छवि अपने सारे गिफ्टों को खोलने की बात कर रही है, हालांकि मैं मना कर रहा हूँ क्योंकि सच में आप थक गए भाई। इधर और जूली सबसे लड़ रही है कि मुझे छोड़ के चले गए, हम रेस्टोरेंट से अभी आए। जूली लड़ रही है कि मुझे छोड़ के चले गए, सब लोग मस्ती करके आए हो, मुझे घर छोड़ के चले। तो भाई सच में बहुत मजा आया। अब रात में कुछ और नहीं करने वाले हैं, अब तो सीधे रेस्ट करेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे, कल देखते हैं क्या क्या गिफ्ट आया। लेकिन आज का दिन बहुत ही जबरदस्त रहा, बहुत ही जबरदस्त।